आगे बढ़ेंगे, रायपुर की खबर आपको बताएंगे। कांग्रेस का मिशन 2023 पर फोकस है, युवा कांग्रेस निभाएगी अहम भूमिका। आपको बता दें, यूथ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करेगी और छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभाओं में होगी यात्रा। 21 नवंबर को संकल्प शिविर करेगी और युवा कांग्रेस के कई कार्यक्रम, जिसमें विधानसभा वार बूथ को मजबूत करेगी युवा कांग्रेस। रायपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस का मिशन 2023 पर फोकस, जिसके साथ ही युवा कांग्रेस निभाएगी अहम भूमिका। यूथ कांग्रेस भी अब खुलकर सामने आ रही है, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी, साथ में छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभाओं में यात्रा करेगी यूथ कांग्रेस। आपको बता दें, 21 नवंबर को संकल्प शिविर भी आयोजित करेगी युवा कांग्रेस। विधानसभा वार बूथ को मजबूत करने का काम युवा कांग्रेस अब करने जा रही है। कांग्रेस का मिशन 2023 पर फोकस बता रहे हैं आपको, युवा कांग्रेस अब निभाएगी अहम भूमिका। बात करेंगे इस विषय पर और ज्यादा अपडेट लेंगे नदीम मेमन, हमारे संवाददाता रायपुर। जी नदीम, जिस तरह से कांग्रेस का मिशन 2023 पर फोकस अब बढ़ता जा रहा है, जिसमें अब युवा कांग्रेस भी अपनी अहम भूमिका निभाने वाली है, जिसमें कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी करेगी, साथ में संकल्प शिविर का भी आयोजन करने वाली है युवा कांग्रेस 21 नवंबर को, और क्या ज्यादा जानकारी है? जी नदीम, देखिए इस वक्त 2000 मिशन की तैयारियों पे कांग्रेस जुट गई है और हर तरह से हर मोर्चे पर वो जो है कांग्रेस जो है वो जनता के बीच पहुंचना चाहती है। यूथ कांग्रेस के माध्यम से हो, एनएसयूआई के माध्यम से हो, सेवा दल के माध्यम से हो, या किसान कांग्रेस के जरिए जनता तक पहुंच करके दूसरी बार सत्ता पे जो है सत्ता पे काबिज होने की कवायद यहां पर तेज कर दी गई है। 90 विधानसभा में अब युवा कांग्रेस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकालेगा, इसके जरिए जो है वो बूथ तक पहुंचेगा, बूथ से यूथ को साधने की कवायद कांग्रेस यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। कार्यकारिणी की पहली नई कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये तय किया गया है कि सभी 90 विधानसभा में जो है ये यात्रा निकलेगी। इस यात्रा के जरिए सरकार की योजनाओं के साथ ही बूथ को मजबूत करने का एजेंडा यहाँ पर दिया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष आकाश शर्मा की के जीत के आने के बाद से लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, उत्साह को कार्यकारिणी की कल बैठक हुई, इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इसी के साथ अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है अब यूथ के जरिए बूथ तक पहुंचेगी और यूथ के बूथ से को मजबूत करके मिशन 2023 को यहां पर कब्जा करेगी। ये यात्रा 90 विधानसभा से शुरू होगी जो बूथ तक पहुंचेगी। इसमें जो है तमाम पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, जिला स्तर हो, जिला विधानसभा की कमेटी हो, लोकसभा जो है उस कमेटियों को जो जिम्मेदारी दी गई है तैयारी शुरू कर दी गई है और दिसंबर में यह यात्रा जो है वो पूरी कर ली जाएगी। 90 विधानसभा में पहुंच करके इस यात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंचेगी युवा कांग्रेस और सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, सरकार जिन योजनाओं के को चला रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, जिन वादों को घोषणा पत्र में पूरा किया था उनको पूरा की है, उन बातों को लेकर के सरकार का सत्ता और संगठन के काम काज को लेकर के जो है वो ये अब जो है जनता के बीच युवा कांग्रेस जाने वाली है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि यूथ के जरिए हम 2000 मिशन 23 में कामयाबी मिलेगी। युवा कांग्रेस की भूमिका जो है वो अहम होगी इस चुनाव में,
क्योंकि नए लोग हैं, नया चेहरा है, नया जोश है, तो कहीं ना कहीं ये इसको भुनाने का काम जो है अब कांग्रेस करेगी। यूथ के जरिए मिशन 2023 जो है कामयाब बनाने की ओर कांग्रेस जो है वो यहाँ पर अग्रसर हो चुकी है। पर भी हमारे साथ, आपको बता दें कांग्रेस का मिशन 2023 अब तेज हो गया है। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, यूथ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करेगी, युवा कांग्रेस निभाएगी अहम भूमिका आने वाले चुनाव में। युवा कांग्रेस अब बूथ पर काम करेगी और यूथ को टारगेट करेगी।